हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपका एग्जाम आने वाला है और एक क्वेश्चन सीएसवी फाइल से पूछा जाता है, तो आज हम देखेंगे सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये फाइल अगर आपको पाइथन में तैयार करनी है, क्योंकि ये ओपन होता है एक्सेल पर या नोटपैड पर ओपन होता है, तो हम देखेंगे कि आखिरकार हम फाइल बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको और भी आसानी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीएलई है इसी को ओपन कर लेते हैं। अब हर स्कूलों में यही होता है और आप इसी पर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से पाइचार्म इंस्टॉल करना है या फिर आपको वीएस कोड की जरूरत पड़ेगी, नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो न्यू फाइल ले लेते हैं, तो ये आ गई न्यू फाइल हमारे सामने, देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट करवाना है सीएसवी को, तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्पोर्ट सीएसवी। ठीक है, एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक डाटा नाम से मैं बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ये समझिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें मैं स्टोर करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर मैं रख लेता हूं नेम। ठीक है, तो पहले तो नेम स्टोर करवाएंगे और यहां पर कॉमा लगाता हूं, और कॉमा लगा करके फिर जो है इसमें हम एज स्टोर करवाएंगे, यानी नेम के बाद हम क्या स्टोर करवाने वाले हैं, एज। इसको भी सिंगलेटेड कॉमा के अंतर्गत रख देते हैं, आप डबलेटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे सिटी, तो CIT by city लिख दिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, और अब इसको बंद कर देते हैं, तो ये काम हो गया, यानी कि हमें इतना डेटा चाहिए। अब इसमें क्या क्या डेटा चाहिए, तो नेम में दे देते हैं, तो यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, यानी जो लिस्ट आप कहते हैं जिसे स्क्वायर ब्रैकेट हम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम में दे देते हैं आर्यम राम, और फिर इस सिंगल क्वोटेड कॉमा को क्लोज करते हैं। राम की एज है यहाँ पर 19, ये 19 दे दिया, और इसमें कोई सिंगल क्वोटेड कॉमा या डबल क्वोटेड कॉमा नहीं यूज करना है, और इनकी सिटी है देवरिया, तो यहाँ पे कर दिया DEORI देवरिया, और इसे बंद कर दिया, और फिर इस ब्रैकेट को भी कर दिया क्लोज। अब एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो अब दूसरा वाला देते हैं, तो दूसरा वाला नाम क्या है, तो दूसरा वाला नेम है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकेंड वाला नेम कर देता हूँ श्याम, तो SHYAM श्याम कर दिया, और फिर यहाँ पर इनकी एज है 21 और कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पर इनका भी सिटी जो है देवरिया ही है, तो यहाँ पे देवरिया कर देते हैं और इसको बंद करते हैं, और बंद करके यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो इतना काम तो हो गया, अब क्या करना है, अब हम एंटर करके नीचे आएंगे और जो ऊपर ब्रैकेट ओपन किया था डाटा के लिए, तो यहाँ पर उसे क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीएसवी फाइल को नाम देंगे अपने, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ फाइल नेम नाम से, और इस अपने सीएसवी फाइल को नाम दे देता हूँ sir.csv। ठीक है, sir.csv मैं इस फाइल को नाम देता हूं, और इसी नाम से ये फाइल सेव भी हो जाएगी। ठीक है, और इसे हम किस में रखेंगे, इसे हम रखेंगे सिंगल एंटेड कॉमा में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप डबल एंटेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसे सिंगल एंटेड कॉमा में ही रखा हुआ है। और यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे विथ ओपन। अब विथ ओपन इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हम फाइल को ओपन करते हैं और क्लोज ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पर आएगा फाइल नेम, क्योंकि फाइल नेम नाम से ही तो बनाया है, तो ये फाइल नेम हो गया। और यहाँ पर इसे हम राइट कर, यहाँ पे देखिए राइट किया गया है इसमें, यानी हम इसमें राइट किए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे W दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन इज इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल क्वोटेड कॉमा ओपन और सिंगल क्वोटेड कॉमा क्लोज करके, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और एज कर देते हैं सीएसवी फाइल, क्या कर देते हैं सीएसवी फाइल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीएसवी फाइल, इस तरीके से ये हमने दे दिया। अब एंटर कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, और नीचे आकर के यहाँ पे अब राइटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सीएसवी राइटर, यानी राइटर भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, और फिर इसमें भी हम सीएसवी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीएसवी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉलन जो है लगाइएगा, देन यहाँ पर जब आइएगा तो उसके हिसाब से इंटेंडिंग आपकी बनेगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो इंटेंडिंग गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पर ये इंटेंडिंग आएगा। ठीक है ना, अब जैसे ही यहाँ पर इंटेंडिंग आएगा तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीएसवी राइटर। ठीक है, तो ये लिखा सीएसवी राइटर, WRITER, सीएसवी राइटर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूँ सीएसवी डॉट राइटर, WRITER, सीएसवी राइटर, और यहाँ पे सीएसबी फाइल जो भी है वो चीज यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे सीएसबी फाइल कर देते हैं सीएसबी फाइल, तो इसको बंद करते हैं और यहाँ पर एंटर करके नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सीएसबी, फिर लिखेंगे राइटर, और फिर यहाँ पर दे देना है आपको डॉट राइट,
रोज आर ओ डब्ल्यू एस ये दे दिया हमने, और इसके बाद यहां पर क्योंकि डाटा के अंदर इसे स्टोर कराया है, ऊपर देख सकते हैं यहां पे डाटा के अंदर इनको स्टोर कराया है, तो मैं यहां पे डाटा यहां पे दे देता हूं। और अब एक मैसेज हम दे देंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा सक्सेसफुली जो एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम, तो उसके लिए एक मैसेज मैं दे देता हूं, प्रोग्राम क्रिएटेड, बस इतना ही दे देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब इसको चलाने की बारी है, तो ये सब चीजें सीएसबी फाइल में तैयार होके आएंगी। अब तैयार होती है कि नहीं होती है ये तो देखने वाली बात होगी कि तैयार हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो F5 करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहां पर इसे सेव करूंगा। आप देखिए सेव कर रहा हूं मैं, आर ए डबल एम नाम से सेव कर रहा हूं इसे, ठीक है, और ये सेव हो गया। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, एक ध्यान और दीजिएगा, ये विथ और ओपन अलग अलग लिखिएगा, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, तो विथ और ओपन को अलग अलग करिएगा, बीच में गैप रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसे मैंने चला दिया है और ये सक्सेसफुली प्रोग्राम भी हमारा क्रिएट हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्रोग्राम क्रिएट कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको ऊपर नजर आ रही होगी, सी यूजर सूरज वन ड्राइव डॉक्यूमेंट, फिर आर ए डबल एम नाम से ये फाइल बनी हुई है। तो इसको चलते हैं देखते हैं ये फाइल है कहाँ। तो चलते हैं पहले सी में, तो ये आ गए सी ड्राइव में, यहाँ पे देख सकते हैं ये सी ड्राइव है हमारा, और फिर सी ड्राइव से कहाँ जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, प्रोग्राम फाइल से कहाँ जाना है, तो प्रो इसमें खोजना है आर ए डबल एम डॉट पी वाई के नाम से ये फाइल बनी होगी, ठीक है, तो उसी को देखना है। तो यहाँ पे आर ए डबल एम करते हैं और ये जो हमारी फाइल है ये एज अ सी एस बी फाइल भी बनी होगी, तो यहाँ पर आकर के आर ए डबल एम जो फाइल है हमारी उसी की सी एस बी फाइल हमें निकालनी है, ठीक है। लेकिन सी एस बी फाइल का हमने नाम क्या दिया था वो देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा बन गया, लेकिन सी एस बी फाइल में हमने नाम क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ आ सकते हैं, ये हमारी सी एस बी फाइल थी, तो इसमें सी एस बी फाइल को नाम हमने दिया है सर एस आई आर, देखिए यहाँ पे सर दिया है ना नाम, तो सर नाम से सी एस बी फाइल बनी होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये वापिस आ जाते हैं और यहाँ पर सर नाम से सी एस बी फाइल बन गई। अब इसे एक्सेल पे ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें नेम दिया था, नेम में नेम के साथ साथ एज दिया था और एज के साथ साथ सिटी दी हुई थी, एक बार चेक करते हैं क्या यही दिया हुआ था कि नहीं। देखिए ये नेम है एज है और सिटी है, यही तीनों फील्ड्स थे, उसके बाद से नेम में नेम आ रहा है, एज में एज आ रहा है, सिटी में सिटी आ रहा है, तो दो दिया था हमने। तो यहाँ पर कितना बना हुआ है देखिए, दो ही तो बना हुआ है। तो इस तरीके से आप सी एस बी फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है।